देहरादून के मंसूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यक्रम में उत्तराखंड से ग्राम कैयार कुली भट्टा को चुना गया है, जो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। बता दें कि महावीर चौहान ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तराखंड सचिवालय ने पत्रकारों को बताया कि जनपद देहरादून के गांव कैयार कुली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुना गया है, जो 2 अक्टूबर को सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि देश के प्रत्येक गांव में 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 100% नलों से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वहीं डीएम देहरादून राजेश कुमार ने बताया कि पीएम मोदी द्वारा जल मिशन के तहत देश के 5 राज्यों में से उत्तराखंड के देहरादून जिले के मंसूरी के पास कैयार कुली भट्टा को गांव को चुना गया है। देखिए देहरादून से सुनील कुचुनकर की एक खास रिपोर्ट। जैसे हमारे गांव में प्रधान जी है, उन्होंने हर चीज़ की सुविधा करी हुई है हमारे गांव में। उन्होंने आजकल वो बहुत अच्छा करा, उन्होंने सफाई पानी की अब कोई कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है। अब बहुत हर जगह पानी है, घर घर पानी है। पहले आप बोतल में पानी ले जाते थे, अब स्कूल में ही मिलता है साफ पानी? यस सर। काफी खुश हैं आप लोग? यस सर। प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद करेंगे, आप लोग भी रहेंगे, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी से बात होगी तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले तो हम प्रधान का थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन्होंने हमारे स्कूल में वॉश बेसिन लगाया, पानी की सुविधा ज़्यादा करी, तो बस। प्रधानमंत्री जी को कल सीधा देखेंगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी खुश है? यस सर। उत्साह है कि जल जीवन मिशन के तहत हमें प्रधानमंत्री जी से संवाद करने के लिए चुना गया है। और कैरकुली भट्टा में क्या पूरे उत्तराखंड में उत्साह है, क्योंकि हमारा पूरे उत्तराखंड में कैरकुली भट्टा ग्राम पंचायत को चयनित किया गया है। और इसके साथ ही हमारे ग्रामवासी बड़े खुश हैं। जल जीवन मिशन के तहत ही हमने अपने गाँव में हर घर में एक तो जल दिया है और शुद्ध जल दिया है। उसके साथ ही हमने जो गाँव में जो गंदा पानी बहता था उसको भी हमने अंडरग्राउंड क्या सोखते गड्ढे बनाए गए हैं, जहाँ पाइपलाइन थी वहाँ पाइपलाइन पहुँचाई है। तो इसी के उसके साथ ही हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए 22,000 पेड़ जो है ग्राम पंचायत में लगाए हैं, और उसमें से हमने 2,000 मनरेगा के अंतर्गत लगाए हैं। हमने 10 किलोमीटर तक लाइन बिछाई है, जो कि कोला जो बस्ती है वहाँ पर हमने नया स्रोत टेस्ट करके 5 से 6 किलोमीटर की लंबी लाइन बिछाई है। वो लोग सभी पहले टैंकरों से पानी दिलवाते थे, लेकिन अब उनके घरों में सभी जगह जल है। लेकिन जहाँ ये जल जीवन मिशन ग्रामीण पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है, तो जहाँ जिस गांव में अभी पूरा काम हो चुका है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उन्हीं गांव को चयनित किया है। बाकी गांव में अभी काम चल रहा है या अधूरा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखना चाहेंगे कि कितना अच्छा काम हुआ है, किस तरीके से गाँव के लोग, जो जैसे आपने अभी देखा है कि यहाँ की महिला है, तो जो विलेज वाटर कमेटी है वो किस तरीके से सक्रिय है, सक्रियता से काम कर रही है। उन्हें मालूम है कि शुद्ध जल कैसे हमें मिलेगा, उन्हें किटें वगैरह भी बांटी गई है, तो इस तरीके से हमें भी खुशी हुई है इस गांव को चयनित। कल गांधी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे कैरकुली भट्टा गांव के प्रधान जी के साथ संवाद करेंगे। बहुत ही गौरव की बात है कि जो है सिर्फ पांच स्टेट्स चुने गए हैं, उस 5 स्टेट्स में उत्तराखंड भी है। और ख़ास बात यह है कि देहरादून जनपद में जो कैरकुली भट्टा गांव है वो चुना गया है। और इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पे 55 LPCD से भी ज़्यादा पानी हमें फिलहाल मिल रहा है। और जितने भी यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ीज़ हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, सब में 55 LPCD से ज़्यादा पानी मिल रहा है, जो जल जीवन मिशन के नॉर्म्स को पूरा करते हैं। और यहाँ के आसपास के गांव भी इस बात की सीख लें और इस गांव से प्रेरणा लें कि अगर कोई भी स्कीम जो है पूरी शिद्दत के साथ अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट ये होगा, और इसी का रिज़ल्ट जो है आज हमें देखने को मिल रहा है।